हे गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि फ्राइडे के दिन गाइस एक ऐसा रिफॉर्म आया, एक ऐसा ऐतिहासिक रिफॉर्म आया है, फैसला आया है जो 2014 में जो मार्केट की रैली थी गाइस, उसके बाद आज हमने ऐसी रैली देखने को मिली है मार्केट में। गाइस, ये रिफॉर्म जब से इंडिपेंडेंस हुआ है, इतने टाइम से कॉर्पोरेट टैक्स में जो रिफॉर्म आया वो अब आया है, तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है। गाइज, हमने जब देखा था कि एनडीए की सरकार आई थी, बनी थी 2014 में, और हमने जब मार्केट में रैली देखी थी तो वही सेम रैली आज हमने देखी है, उतनी तेजी से रैली देखी है गाइज। 8-8% सेंसेक्स बढ़ रखा है गाइज, तो आप देख सकते हैं गाइज कि कितनी तेजी से रैली हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी 8% बढ़ रखा है, 5% सेंसेक्स बढ़ रखा है गाइज। सो ये रैली मार्केट के लिए एक बूस्ट अप है, और जो ये रिफॉर्म्स आए हैं गाइज, ये मार्केट के लिए एक बहुत अच्छा बूस्ट है। और यहाँ से जितने भी कंपनीज हैं, जो भी कंपनीज हैं, उन कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा है, उनके प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप देख सकते हैं कि कल के जब मार्केट क्लोज होएगी तो आप देखना कि गाइस हर कंपनी के ईपीएस किस तेजी से बढ़ जाएंगे। गाइस, कितनी तेजी से हम ईपीएस बढ़ते हुए देखेंगे कंपनीज के। सो आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। अब कौन से ऐसे रिफॉर्म आया है वो रिफॉर्म मैं आपको बताऊंगा अभी, कौन से ऐसे रिफॉर्म आया है जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट इतनी पॉजिटिविटी से ले रही है और इतने ऊपर जाके बंद हो सकती है। गाइस, बहुत अच्छे रिफॉर्म आया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, सारे कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, हमारी मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है। सो बढ़ते हैं सबसे पहले कि कौन से ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स आए हैं जो सीतारमन ने लिए। गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं आपके सामने ये पढ़ूंगा और फिर आपको मैं समझाऊंगा कि इन सबका मतलब क्या क्या रिफॉर्म्स हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप देख सकते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट इन द टैक्सेशन लॉ ऑर्डिनेंस 2019 टू मेक सर्टेन अमेंडमेंट्स इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड द फाइनेंस एक्ट 2019। गाइस, सबसे पहले आपको मतलब इसका समझना पड़ेगा, ऑर्डिनेंस का मतलब, ये आपको ऑर्डिनेंस का मतलब समझना पड़ेगा कि ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है। गाइस, ऑर्डिनेंस इन द सेंस हम कह सकते हैं कि इमीडिएटली एक एक्शन लेना, लेजिस्लेटिव एक्शन लेना, यानी कि अगर कभी कोई गवर्नमेंट के पास टाइम नहीं है और उन्हें कोई पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव एक्शन लेना है तो वो ऑर्डिनेंस लेकर आ जाती है और एक्शन ले लेती है। ऑर्डिनेंस से ये होता है कि कोई भी लॉ अगर आपको पास करवाना है और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है पार्लियामेंट में वो सेशन के थ्रू उसको कंडक्ट कराने का, सो गाइस आप एक ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हो, उससे आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का साइन करवा सकते हो और वो जो लॉ है वो 6 महीने के लिए लागू हो जाएगा। यानी कि ये जो कॉर्पोरेट टैक्स जो कट करा गया है वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लाया गया, यानी कि 6 महीने तक तो वो लागू कर दिया गया है, 6 महीने तक तो वो होगा। गाइस, ऑर्डिनेंस लाया कब जाता है, जब पार्लियामेंट के अंदर सेशन स्टार्ट नहीं हुआ होता। गाइस, अभी पार्लियामेंट के अंदर सेशन स्टार्ट होने वाला है नवंबर में, तो तब वहां पर ये लॉ पास किया जाएगा, लॉ को रखा जाएगा, लॉ पास होगा। गाइस, चिंता की कोई बात नहीं है, लॉ पास हो जाएगा, इनके पास फेवर है लॉ पास करवाने का कॉर्पोरेट टैक्स का, तो हम कह सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट टैक्स डिडक्ट हो चुका है। सो गाइस, ऑर्डिनेंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि 6 महीने के लिए आप एक पर्टिकुलर लॉ लेकर आ जाते हैं, उसके बाद अगर ये सेशन में जाता है पार्लियामेंट के लिए और अगर वहाँ पर वो निगलेक्ट या मना कर दिया जाता है वो लॉ, तो वो जो आपका लॉ लगा था वो हट जाता है। सो इसी तरीके से ये कॉर्पोरेट टैक्स जो डिडक्ट करा गया उस पर भी ऑर्डिनेंस लाया गया है, तो ये आपके लिए वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखा करिए। अब बढ़ते हैं सबसे पहले ग्रोथ के ऊपर, सबसे पहले बिग रिफॉर्म के ऊपर। गाइस, इन ऑर्डर टू प्रमोट ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट अ न्यू प्रोविजन हैज बीन इंसर्टेड इन इनकम टैक्स एक्ट विद इफेक्ट फ्रॉम फिस्कल ईयर 2019 एंड 20 व्हिच अलाउज एनी डोमेस्टिक कंपनी एन ऑप्शन टू पे इनकम टैक्स एट द रेट ऑफ 22% सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे विल नॉट अवेल एनी एग्जम्पशन और इंसेंटिव। इसका मतलब ये है कि जो करंट कॉर्पोरेट टैक्स है जो 30% है गाइस, उसको घटा के 22% कर दिया गया है, पर 22% पे आपको कोई भी एग्जेम्पशन या इंसेंटिव नहीं मिलेगा। कोई भी कंपनी को एग्जेम्पशन या इंसेंटिव नहीं चाहिए तो वो 22% का इनकम टैक्स का रेट दे सकती है, या फिर अगर आप उसके साथ उसमें आपको क्या ऐड होगा, उस पर आपको ऐड होगा सेस और सरचार्ज। पर अगर आप 25.17 यानी कि द इफेक्टिव टैक्स रेट फॉर दीज कंपनी शैल बी 25.17% इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज एंड सेस, यानी कि आपको
30% नहीं देना पड़ेगा, आपको 25% ही देना पड़ेगा जिसपे सरचार्ज और सेस इंक्लूड होगा। सो ये एक कंपनीज के लिए बहुत अच्छी बात है कि 30% से घटा के 25% कर दिया गया है, और ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत अच्छे से दिखेगा। और उसी के साथ साथ जो मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स यानी कि जो मैट लगता था, वो भी अब कंपनीज को लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर वो इस रिजीम के अंदर या इस टैक्स स्लैब के अंदर वो पे करती है। तो दूसरा जो बड़ा रिफॉर्म आया है गाइज, वो दूसरा बड़ा रिफॉर्म ये है कि इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड देयर बाय प्रोवाइड बूस्ट टू मेक इन इंडिया। गाइज आप देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया में कितना गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। सो उसी के साथ मेक इन इंडिया को बढ़ाने के लिए जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है वहां तक पहुंचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, गवर्नमेंट ने लागू कर दिया है कि जो भी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अब स्टैब्लिश होंगी, जो भी नई डोमेस्टिक कंपनीज 1 अक्टूबर से आएंगी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आएंगी, उनके लिए जो टैक्स स्लैब है वो 25% 30% नहीं है, उसके लिए 15% कर दिया गया है, पर उस पर भी आपको कोई इंसेंटिव या एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो गाइस कुल मिला के जो भी नए अब अपना बिजनेसेस लेकर आएंगे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो नए बिजनेसेस अब सेटअप होंगे, उनको अब 17% टैक्स देना पड़ेगा जिसके अंदर सरचार्ज और सेस इंक्लूड होगा, और उन्हें भी मैट नहीं देना पड़ेगा। सो गाइस अब जो हम देखते थे कि जो नए नए बिजनेसेस आते थे, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सेटअप करना चाहते थे गाइस, उनको आते ही 30% का कॉर्पोरेट टैक्स पे करना पड़ जाता था, साथ में मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स भी पे करना पड़ता था, बहुत चीज़ें पे करनी पड़ती थी, और उसकी वजह से वो 1-3 साल तो लॉस में ही चलते थे। तो गाइज उसको हटाने के लिए, उस चीज़ को निगलेक्ट करने के लिए गाइज जो गवर्नमेंट है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमन जी हैं, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये करा कि अब जो भी नए डोमेस्टिक कंपनीज आएंगी, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में आएंगी, जिस चीज़ में भी आएंगी गाइज, उनको अब 17% टैक्स ही देना पड़ेगा, यानी कि कुल हम देख सकते हैं 13% टैक्स कम कर दिया गया है, और वो हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए, हमारी इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, और मेक इन इंडिया के लिए जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हम सोच रहे हैं, वो अब हम सोच सकते हैं कि पूरा हो सकता है। गाइस दूसरी बात, जो दूसरा बड़ा रिफॉर्म आया ये है कि जो भी कंपनीज हैं, जो भी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं जो पहले से ही पे कर रही है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अ कंपनी विच डू नॉट ऑप्ट फॉर द कंसेशनल टैक्स रिजीम एंड अवेल द टैक्स एग्जेम्पशन इंसेंटिव शैल कंटिन्यू टू पे टैक्स एट द प्री अमेंडेड रेट। हाउएवर दीज कंपनीज कैन ऑप्ट फॉर द कंसेशनल टैक्स रिजीम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ देयर टैक्स हॉलीडेज पीरियड। आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ द ऑप्शन दे शैल बी लाइबल टू पे टैक्स एट द रेट ऑफ 22% एंड ऑप्शन वंस एक्सरसाइज कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली विदड्रॉन। Further, in order to provide relief to companies which continue to avail exemption incentive, the rate of minimum alternative tax has been reduced from existing 18% to 15%. So guys, ये भी एक तरीके से रख दिया गया है। जो guys, अगर आप लोग जो हम देख सकते हैं कि जो tax holidays होती है, जो एक तरीके से tax holidays होती है, उन पे भी उसके बाद भी अगर आप चेंज करना चाहते हैं, या अगर आप दूसरे रेट की तरफ बढ़ना चाहते हैं 22% रेट की तरफ, तो भी आप जा सकते हैं। तो आपके लिए एक ईजी तरीके की अप्रोच रख दी गई है। सो गाइस अब आते हैं मार्केट पे। सो कैपिटल मार्केट पे सीतारमन जी ने क्या करा है, इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द फ्लो ऑफ फंड्स इनटू द कैपिटल मार्केट इट इज प्रोवाइड दैट इनहेंस सरचार्ज इंट्रोड्यूस बाय द फाइनेंस एक्ट 2019 शैल नॉट अप्लाई ऑन कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी और अ यूनिट ऑफ एन इक्विटी oriented funds or a unit of a business trust liable for security transaction tax। यानी कि जो STT लगता था, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं, जो STT लगता था वो STT को हटा दिया गया है, जो security transaction tax लगता था गाइज उसको हटा दिया गया है इंडिविजुअल से, जो भी हम देख सकते हैं HUF से, AOP, BOI, AGP से, सबसे इंडिविजुअल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT हटा दिया गया है। सो सबसे पहले जो कैपिटल मार्केट में बड़ी न्यूज़ आई है वो आई है कि STT को हटा दिया गया है। दूसरी सबसे बड़ी न्यूज़ आई है जो हम देख रहे थे कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं FPIs हैं, जिन्होंने मार्केट में सेलिंग कर रखी थी, हम देख रहे थे कि 2-3 महीने से रेगुलरली हम देख रहे हैं कि इतने करोड़ों की सेलिंग हो चुकी है गाइस, उस पे जो गवर्नमेंट ने, जो सीतारमन ने बजट पे जो टैक्स लगाया था डेरिवेटिव्स पे, उसको भी हटा दिया गया है।
यानी कि जो सरचार्ज लगाया गया था, जो अप्लाई करा गया था एफपीआई पे, वो भी हट चुका है और ये मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव चीज है, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि बजट पे मार्केट पे एक डीप डाउन करेक्शन हमें देखने को मिला था। गाइज दूसरी सबसे बड़ी बात ये आई है कंपनीज के लिए, जो लिस्टेड कंपनीज है गाइज, जो भी पब्लिक कंपनीज हैं, उन लोगों ने जो अनाउंस करा था 5 जुलाई से पहले पहले या 5 जुलाई तक कि हम एक बायबैक लेकर आने वाले हैं, जो भी अनाउंसमेंट करी थी गाइस, उन पे बायबैक करते समय आपको टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो वो टैक्स भी हटा दिया गया है गाइस। अब वो आराम से बायबैक ला सकती है, अपने खुद के शेयर्स को मार्केट से उठा सकती है, यानी कि इसका मतलब है कि कंपनी ग्रो कर रही है, कंपनी के पास ग्रोथ है। सो गाइस ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनीज के लिए बहुत अच्छी बात है। इस पे हम ईपीएस पे कंपनीज, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की ईपीएस में बहुत अच्छा ग्रोथ देखेंगे और यहाँ से हम उस पे एक अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लेकर चल सकते हैं गाइज। दूसरी बात ये है कि अब आप देख सकते हैं कि एक और रिफॉर्म ऐसा लाया गया है, वो रिफॉर्म हम कह सकते हैं एक अच्छा रिफॉर्म है इंडिया के लिए। हम कह सकते हैं कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर भी गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, और जो हम देखते हैं जो नई नई टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी इंजीनियरिंग जो एम है, जो हम समझ सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, जो इंजीनियरिंग सेक्टर, साइंस सेक्टर है, उस पर भी ज़्यादातर गवर्नमेंट सोच रही है कि एक अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर जाए। सो उस पे करा क्या है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ CSR बाय 2% स्पेंडिंग। CSR का मतलब ये हो गया कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। गाइस जो भी कॉरपोरेट कंपनीज होती है उनकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें कुछ परसेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू डोनेट करना पड़ता है, या आप समझ सकते हैं आप दे सकते हैं उन्हें खुद ही चैरिटी के थ्रू। तो उसे बढ़ा के 2% स्पेंडिंग कर दी गई है, और वो 2% जो स्पेंडिंग है वो कहाँ जा सकती है, आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं, या फिर कोई एजेंसी को दे सकते हैं, या कोई फिर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पे दे सकते हैं, या फिर आप कोई पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटीज पे जाके आप फंड कर सकते हैं, कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। IIT जैसे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल लेबोरेटरीज हैं, ये आप ऑटोनोमियस बॉडीज पे भी जाके आप ये जो रिसर्च करती है साइंस के ऊपर, जो टेक्नोलॉजी के ऊपर करती है, मेडिकल के ऊपर जो साइंस रिसर्च करती है, उन पे जाके आप ये कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, फंड डोनेट कर सकते हैं। और इससे जो उनका एम है, वो एम है टू प्रमोट SDG, या आप देख सकते हैं आपको SDG प्रमोट करने के लिए ही ये पर्टिकुलर हम लेकर आया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हम SDG की बात करें तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको एम करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, वो सारे गोल्स को अचीव करने के लिए ही ये पर्टिकुलर रिजीम लेकर आया गया, ये रिफॉर्म लेकर आया गया। तो गाइस एक नेगेटिव है गवर्नमेंट के लिए, क्या नेगेटिव न्यूज है, जो हमने देखा जो 30% स्लैब से लेकर वो 25% और 17% में आ गया, उससे जो टोटल रेवेन्यू है गवर्नमेंट का वो 1,45,000 करोड़, यानी कि 1.45 ट्रिलियन का हमें लॉस देखना पड़ेगा हर साल गवर्नमेंट के रेवेन्यू में। गवर्नमेंट के हम देख सकते हैं रेवेन्यू में हमें 1.45 लाख करोड़ का लॉस देखना पड़ेगा, रिडक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब पर्टिकुलर ये आधा कर दिया गया है गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो टैक्स से आता था, तो हमें इतना लॉस देखने को मिल सकता है। तो वो भी हल्के हल्के करके वो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से रिकवर कर सकती है गाइस। ऐसे अभी और रिफॉर्म्स आने हैं, अभी इसी तरह हमें डिसाइड कर दिया कि ऐसी और जो अनाउंसमेंट है, जो ऐसी चीज़ें और लेकर आने वाली है, और भी ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। सो गाइस ये हमारी मार्केट के लिए, ये हमारी इंडिया के लिए, मेक इन इंडिया के लिए, जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुँचना चाहती है उसके लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रखा है गाइस। और हम कह सकते हैं कि ये ऐतिहासिक रिफॉर्म है, ऐतिहासिक फैसला लेकर गया, लेकर आई है सीतारमन जी। तो इसी के साथ हम बने रहेंगे गाइस, और अपडेट्स मैं आपके साथ इसी चैनल में लेकर आऊँगा। तो सबसे पहले ये आपको जो आइकन दिख रहा है यूट्यूब का, इसे क्लिक करके यहाँ पर आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर दीजिए। जो भी मेरे नए व्यूअर्स देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि और कौन से रिफॉर्म लेकर आ सकती है, और आपने अगर मार्केट में पैसा लगाया तो आपको कैसा लगा मार्केट ने जो 8 से 10% की बैंक निफ्टी, जो 5% की सेंसेक्स ने मूवमेंट दी है वो आपको कैसे लगी, और जो रिफॉर्म्स लेकर आई है उस पर और क्या चेंजेस होने चाहिए, और क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आ सकती है, कमेंट सेक्शन में मुझे गाइस ज़रूर बताइए। और मार्केट पे क्या रिएक्शन हुआ है, कैसे मार्केट परफॉर्म करी है, उसकी भी वीडियोस आपके साथ आने वाली है जल्द इसी यूट्यूब चैनल के अंदर। सो गाइस सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करिए और प्रमोट करिए, शेयर करिए इस वीडियो को हर बंदे को, कि वो भी
इसको समझ पाए और उन्हें पता चल जाए कि वो अगर सेटअप करते हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स जो डिडक्ट हुआ है इनके लिए कितना फायदा लेकर आ सकती है। फ्रेंड्स फैमिलीज पे रिलेटिव्स पे जरूर इस वीडियो को शेयर करके उनके साथ अपना मोटिवेशन बढ़ाइए। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। मैं शिवांश बसी, साइनिंग ऑफ।